नमस्कार, मैं प्रियंका ऑल्ट न्यूज से। फिलहाल सोशल मीडिया पर हैशटैग 5-year challenge, 10-year challenge बहुत ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में बीजेपी बिहार के ट्विटर हैंडल से 18 जनवरी को हैशटैग 5-year challenge के साथ दो तस्वीरों के कोलाज को ट्वीट किया गया। बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, देखिए 5 सालों में क्या बदला। पहली तस्वीर में दिखाया गया कि ये टूटी हुई गड्ढों वाली सड़क साल 2013 की थी, जबकि दूसरी तस्वीर में एक पक्की सड़क को दिखाते हुए यह दावा किया गया कि 2018 में बनाई गई सड़क है। ऑल्ट न्यूज़ ने इन दोनों तस्वीरों की पड़ताल की। पहली तस्वीर हमें यांडेक्स इमेज सर्च टूल की सहायता से डेक्कन क्रॉनिकल की 16 जून 2016 को प्रकाशित रिपोर्ट में मिली। यह रिपोर्ट बेंगलुरु के सड़क समस्या के बारे में लिखा गया है और तस्वीर का श्रेय 37B नामक एक फोटोग्राफर को दिया गया है। बीजेपी बिहार के ट्विटर हैंडल ने तस्वीर का निचला आधा हिस्सा अपने ट्वीट में इस्तेमाल किया है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि ये तस्वीर ना तो बिहार की है और ना ही साल 2013 की। अब दूसरी तस्वीर, हमने पाया कि यह साल 2009 से इंटरनेट पर उपलब्ध है। टीम BHP नामक वेबसाइट पर हमें यह तस्वीर मिली, जिसे थिरुमंगलम और विरुधुनगर NH7 के बीच 4 लेन का विस्तार कहकर दिखाया गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपने 2013 के रिपोर्ट में इस तस्वीर का इस्तेमाल किया है। और भी कई वेबसाइट हैं जिन्होंने इस तस्वीर का इस्तेमाल अपने रिपोर्ट में किया है। हालांकि इस तस्वीर का सही स्थान पता करने में हम असमर्थ रहे, लेकिन इससे यह साफ हो जाता है कि जो तस्वीर 10 साल पहले ऑनलाइन उपलब्ध हो वो 2018 में बनी किसी सड़क की नहीं हो सकती। 17 जनवरी को बीजेपी कर्नाटका ने भी 10-year challenge में अपना हाथ आजमाते हुए 6 तस्वीरों के कोलाज को ट्वीट किया। ट्वीट में दर्शाई गई 3 तस्वीरें हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि वो साल 2009 यानी UPA के शासनकाल के दौरान की है और उनकी तुलना 2019 यानी NDA के कार्यकाल के दौरान की 3 तस्वीरों से की गई है। इस ट्वीट से बीजेपी अपने कार्यकाल में हुए विकास को बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारी पड़ताल में ये कोशिश नाकाम साबित हुई। ऑल्ट न्यूज़ ने पाया कि यहाँ पर की गई तीनों तुलनाएं गलत है। पहली तुलना में जिस तस्वीर को साल 2019 का बताया जा रहा है वो साल 2011 की है यानी UPA के शासनकाल की है, लेकिन मजे की बात यह है कि यह कोई सरकार द्वारा बनाए गए टॉयलेट की नहीं बल्कि Hyundai Motors Limited की CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की पहल के अंतर्गत बनाए गए टॉयलेट की है। दूसरी तुलना में तस्वीर तो NDA के कार्यकाल से संबंधित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर लिखे एक आर्टिकल से ली गई है, लेकिन तस्वीर में देखी जा रही महिला आर्टिकल में योजना की लाभार्थी बनने के बाद आ रही समस्याओं के बारे में बता रही है। आखिरी तुलना में जिस तस्वीर को साल 2019 का बताया जा रहा है वो साल 2010 की है जो हरियाणा के करनाल तहसील के एक गांव में पहुंची बिजली से संबंधित है और विडंबना यह है कि इसे साल 2014 के बाद हुए विकास का कहकर चलाया जा रहा है। थैंक यू।